श्री परमहंस देवाय नमः। तो दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर हम नमन करते हैं उन महापुरुषों के चरणों में जो समय समय पर प्रकट होकर परमहंसों को, साधकों को, मेडिटेटर्स को सूक्ष्म रूप में गाइड करते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी तोतापुरी जी महाराज की। उनको सब जानते ही हैं कि वो नागा साधु के नाम से जाने जाते हैं। उनका हमेशा यही कहना था कि बहता पानी रमता जोगी ठहरे गंदला होए, कि अगर हम किसी भी वस्तु, जगह या किसी भी इंसान से उसको पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, तो हमारा जो एक एनर्जी का फ्लो है वो बंद हो जाता है। तो हमेशा बहते पानी की तरह आगे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। तो तोतापुरी जी महाराज 1864 में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी को मिले, जो माँ देवी की, काली माँ की भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन वो आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। तो तोतापुरी जी महाराज ने अपने गुरु की करुणा में बहकर अपने जैसे ही उनको आज्ञा चक्र पे छुआ, एक नुकीले पत्थर से उन्होंने नोक से उसको काटा, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस 3 दिन के लिए समाधि में चले गए। तो ये होता है, महापुरुष परमहंस जब हमें छूते हैं तो हमें उसको कुंडलिनी कहें, डिवाइन एनर्जी कहें, मदर एनर्जी कहें, या तले की वस्तु हमारी गगन ठहरा जाती है। दिस इज द मैजिक, ये एक जादू है। वो जादूगर होते हैं कि एक झटके में जो काम हम युगों युगों में नहीं कर सकते, वो उनका एक छोटा सा टच, उनका एक थोड़ा सा छूना भी हमारी सुरती को एक झटके में पिंड देश से ब्रह्मांड देश में ले जाता है। इसी प्रकार से श्री परमहंस दयाल जी जब अकबरपुर के जंगलों में गहरी इंटेंस साधना तपस्या में लीन थे, अपनी शाही मौज फकीरी में वो तपस्या कर रहे थे, तो समय तोतापुरी जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी को भी मिले। ऐसा मिलन होता है, कहते हैं ना, योगी योगी भाई भाई। तो सूक्ष्म जगत के महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो भक्ति का प्रवाह और बढ़ता है। प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। आज भी महाराजाधिराज योगी राज श्री परमहंस दयाल जी जब हमें आशीर्वाद देते हैं, जो भी रूहें ध्यान साधना सुमरन के रास्ते पर चल रही हैं, मेडिटेशन साधना प्रैक्टिसेस करती हैं, वो आज भी परमहंस दयाल जी की शक्तियों को अनुभव कर सकती हैं। तो यही अद्वैत वेदांता की जो फिलॉसफी है, उसको फैलाया, उसका प्रचार किया तोतापुरी जी महाराज ने, श्री परमहंस दयाल जी ने। फिर परमहंस केदारघाट काशी वाले श्री परमहंस दयाल जी से मिले, उनको सारी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। तो जो भी रूहें इच्छुक हैं कि वो भी निज धाम की यात्रा करें, यात्रा करें मूलाधार से सहस्त्रार की, जो ट्रेवल करना चाहती हैं मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहता, विशुद्धि, अग्न चक्र और सहस्त्रार, पिंड देश से ब्रह्मांड देश में, अगर निज धाम सचखंड आप अपने असली घर श्री चरणों में वापस जाना चाहते हैं, तो ये समय है जागने का, ये समय है परिवर्तन का। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आज भी उन महापुरुषों की शक्तियां सूक्ष्म रूप में आपको गाइड करती हैं। बहुत बहुत आभारी हैं हम उन महापुरुषों के जो आज भी ऐसे ही हमें गाइड करते हैं कि जैसे वो हमारे सम्मुख विराजमान हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।